हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओज़िवा का एक प्रोडक्ट जो कि फेस सीरम है। और ये मुझे रिसीव हुआ है मामा अर्थ की शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने से, और एज अ प्री प्रोडक्ट। तो उसका सैंपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये उसका सैंपल है। तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और देखेंगे कि कैसा प्रोडक्ट है ये और इसके क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देखेंगे। तो इसकी जो छोटी सी पैकेजिंग है, ये एज अ सैम्पल इन्होंने दिया है, बहुत छोटी है, इतर की जैसे बॉटल रहती है वैसी सैम्पल है ये, और वैसे ही इसकी पैकेजिंग है। और ये यहाँ से पैक है, ये गिरेगा नहीं, यहाँ से पैक है। और इसको हमें इतर के बॉटल जैसा खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इसे अप्लाई करना है। तो और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, एक आयुर्वेदिक जैसा फ्रेग्रेंस आ रहा है। तो और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एज अ फ्लावर यहाँ पे सिंबल बना है, जैसे कि ओज़िवा के मेन प्रोडक्ट में बना रहता है वैसा ही है। इनर ग्लो फेस सीरम है ये। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा ग्लो ये प्रोवाइड करता है आपके फेस पे। फिर इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करते हैं, और ये वेगन है कि नहीं है, ये सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री है कि नहीं है, ये सारा कुछ मेंशन करेंगे। लेना है और लाइटर को जला के उसको गरम करके हम बॉटल ओपन करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है इसलिए इस तरह हो रहा है। हो गया, काफ़ी है। तो एक होल हमने यहाँ पे बना लिया है और इसे यूज़ करने के लिए, अब मैं इसे यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसे हमें 2 ड्रॉप हमने ले लिया है अपने हैंड में और इसे अप्लाई करेंगे। आप एक साइन देख सकते हैं कैसी साइन हो रही है मेरे फेस पे, लेकिन थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। अकॉर्डिंग टू मी इसे आपको समर में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इससे अच्छा आप इसे विंटर पे यूज़ करें। और इसका एज अ ग्लो तो मुझे दिख रहा है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और इसमें सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री कितना कुछ है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो अगर आप इसका बड़ा बॉटल ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ा बॉटल ओज़िवा का। लेकिन आपको ये अगर मिले एज अ फ्री प्रोडक्ट तो आप इसे ट्राई करके आप उसे डिसाइड करने में आपको आसानी होगी कि आपको लेना है कि नहीं। सबकी स्किन टाइप डिफरेंट रहती है, किसी की ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की ज़्यादा ड्राई होती है। तो ये अगर आपकी ड्राई है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हर मौसम में, और अगर आपकी ऑयली है तो एज अ विंटर में ही आपको लेना चाहिए, और अदर सीज़न में आपको ज़्यादा ये बेनिफिट नहीं देगा। तो ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा, स्किन पे हैवी नहीं है, और एज अ कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो फील करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ये ज़्यादा आपके स्किन पे ज़्यादा ऑयली नहीं है और आप जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा गर्मी में या उमस में आप इसे ट्राई ना करें, आप अदर सीज़न में यूज़ करें तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छे से आपके स्किन को, और अगर आप मेकअप अप्लाई करने वाले हैं उससे पहले आप फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको डेफिनेटली आप एक ट्राई दे सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।